गाइस वेलकम है आपको ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज हम चलने वाले हैं लिलीविल के अंदर, और भाई लिलीविल में मैंने बुलाया है देव को भाई, तो हमारे साथ काम कराएगा। कुछ मैंने फेवर लेना था वो लेगा भाई, मैं उससे वो एक्सेप्ट करूंगा वो फेवर। भाई वीडियो में जैसे बोलते तुम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो, और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तुम्हारा भाई उस पर नई नई रील्स डालता रहता है, और भाई मजा आने वाला है, आ जाओ। तो गाइस आ चुके हमने ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर लिलीविल के। तो भाई आज मैं तुम्हें बताऊंगा मैं इतना पावरफुल कैसे बन रहा हूँ लिलीविल के अंदर। भाई मैं इतना सबसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी बन चुका हूँ लिलीविल के अंदर। तो भाई आज मैं वो बनने के लिए मैंने बुलाया अपने दोस्त को, देखते अभी तक आया नहीं आया। भाई मेरे पे एहसान करेगा आके, तो भाई आज एपिसोड के अंदर सीधा आ जाओ। भाई देखता हूँ यार अभी तक आया नहीं आया वो देव भाई लिलीविल के अंदर। भाई मैंने कब से उसको मैसेज डाल रखा है भाई। अरे वो देखो वो रहा मेरा लड़का, देखो कैसे घूम रहा वारा गर्दी कर रहा है। ओए ओए छोड़ू आ गया, कौन कुत्ता भौंक रहा है भाई। अबे साले, अरे ये तो ये है। अरे रुक जा, अबे मर जाएगा मैंने मारा तो। सुन मेरी बात दे भाई, मेरे पास ये दो डायमंड्स है, ये देख रहा है। ओ हां देख, मेरे पास भी है, तेरे पास भी है। हो गया भाई, ठीक है। तू एकड़ी के दिखा रहा है, तेरे पे तीन है तो तू दिखा रहा है एकड़ी। तो भाई मेरी बात सुन, बोल भाई क्यों बुलाया तूने मुझे। अबे भाई देख मेरे साथ डायमंड माइन करने चल, क्योंकि मैंने सोचा भाई मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने वाला हूँ, तुमको पता ही है। डायमंड माइन करने क्यों चलू भाई, इलीगल काम वो भी। तो भाई इलीगल क्यों है, लीगल है ना। लीगल कब से हो गया, तो तुम्हारा काम लीगल था जो तुमने मुझसे करवाया था। है मेरा वो तो भाई, तुम्हारी सजा थी कोई भी एक इलीगल काम करना है तो भाई इलीगल तो तब भी नहीं बोला था फ्लीट भाई ने। क्यों नहीं कहा था भाई, अरे झूठा भाई। तो भाई तो मतलब भाई की हेल्प नहीं करा सकता, अगर भाई ने तेरी दुखद टाइम में हेल्प करा दी तो है। डायमंड्स क्यों चाहिए तेरे को, डायमंड्स क्यों चाहिए भाई। भाई मेरे को ना देख, तेरे को पता नहीं मैं पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। आगे बोल आगे बोल। भाई तो मेरे को सरकारी ट्रेजरी के लिए डायमंड्स चाहिए, मैं सरकार को डोनेट करूंगा डायमंड, समझ रहा है। तो मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा ऐसे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ हमको 30 डायमंड चाहिए, जिसमें से मैं सारे के सारे सरकार को डोनेट कर दूंगा। कितने डायमंड बोले तूने, 30 नंबर को सिमिलर सुना सुना। चल ठीक है, क्या मतलब समझा नहीं मैं, 30 डायमंड सरकार को देगा तू। हाँ 30 डायमंड मैं सरकार को देने वाला हूँ। मतलब तू ये कह रहा है मतलब ये इलीगल काम नहीं है। नहीं सरकार को डोनेट करना तो इलीगल काम क्यों होगा, बताओ। सरकार पे जा रहा तो देख मुझे क्रेडिट मिलेगा तो तभी आऊंगा मैं, क्योंकि भाई यार हर चीज तू क्रेडिट के लिए क्यों करता है। मेरे को एक बात बता भाई, मुझे बता तू अपने पापा को प्रैक्टिस कर रहा है, तू 30 डायमंड डोनेट कर रहा है। 30 डायमंड भाई कम नहीं होते, 30 डायमंड भाई। तो भाई तो अबे यार मैं तेरे से हेल्प मांग रहा हूँ भाई, तू तो ऐसे ले रहा है जैसे मैं तेरे से कोई काम करवा रहा हूँ। तो काम ही तो करवा रहा है भाई। भाई मैं तो तुमसे हेल्प ले रहा हूँ ना यार, फूड मिनिस्टर साहब। अच्छा तुम उसे ऐसा हेल्प हो रहा, मेरे को लगा थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा भी होगा तो थोड़ा नेक्स्ट इलेक्शन में तुम्हारे भाई का भी नंबर आ जाएगा। इस बार तो समझ रहे हो ना। अच्छा इलेक्शन में खड़ा हो रहे हो क्या तुम, तो पता लगेगा कौन बनेगा लीडर। हाँ लीडर बनना है तुम्हें, चलो कोई नहीं हो जाना यार खड़े, मैं तुम्हें वोट करूंगा। चल मैं तेरे को वोट दूंगा अगर तुम मेरे को मेरे हेल्प कराएगा, और किसी को बोलेगा नहीं कुछ भी कि इसमें तेरा कोई पार्ट था। तेरे को कुछ पता ही नहीं है कि तूने मेरे साथ डायमंड करवाए, तो मेरा वोट तेरा। पक्का पक्का साइन करके देगा ना बाद में। साइन क्या भाई, अगर तेरे को भाई देख ले तो ऐसे वोट खरीदने वाली बात होगी फिर तो इलीगली हो गया ना। तो जो तू काम कर रहा है वो कौन सा लीगल है भाई, वो तो लीगल ही है ना, सरकार को डोनेट करो। मैं तो चाह रहा हूँ कि सारा क्रेडिट मेरे को मिले। चल ठीक है पक्का देगा ना। हाँ हाँ मेरा वोट तेरा भाई। चल ठीक है मेरा वोट, ये बात रिकॉर्ड कर ली मैंने। देव दी कहानी को क्या बोला तूने, कुछ नहीं आ जा। पिकैक्स पड़ी तेरे पे लोहे की, पड़ी है देना फिर तेरे पे पड़ी यार, रुकना अबे पड़ी है मेरे पे पड़ी है, रुक जा इसको मैं गरीब मिट से मांग रहा काम तेरा देना फिर। अच्छा भाई तुम्हें अब ये हार भाई हर चीज तुम कितनी वो करते हो भाई, काया फर्नेस का है वो रे। रुक जा इसको मैं पहले स्मेल्ट कर लूं। गाइस मैं मिलता तुमसे स्मेल्टिंग पूरी करके, एक पिकैक्स बना लेते हैं फटाफट अपने लिए। मैं मिलता तुमसे स्मेल्टिंग पूरी करके, ठीक है। गाइस हमारा आयरन हो चुका है स्मेल्ट, तो भाई फटाफट से भाई तू ऊपर क्या सज रहा है मेरे, तेरे को चाहिए पिकैक्स। पिकैक्स बना ले, एक्स्ट्रा बना ले भाई, 30 डायमंड कम नहीं होते हैं। अरे मेरे पास पड़ी तो ही है, मैं फिर क्यों बना रहा हूँ। लेकिन अब उसकी बना लूँ क्या, डायमंड की अब डायमंड की भी नहीं बनेगी ना ऐसे। मैं तो अपने डायमंड देने वाला नहीं हूँ भाई। भाई तेरे से मैं डायमंड मांग भी नहीं रहा। अबे सुन क्या देख, तू 30 डायमंड माइन करने जा ही रहा है तो अपने 2 डायमंड मुझे दे दे, क्या करेगा पागल हो रो का।
30 तो मैं डोनेट करूंगा, 2 तो अपने पास रखूंगा ना बाबू। 2 डायमंड का क्या ही करेगा रे तू भाई, तू क्या करेगा 2 डायमंड का बता मेरे। 3 2 5 हां तो 5 डायमंड की कम होते हैं क्या? तो भाई मेरे तो चले जाएंगे ना, रुक जा इसको एन्चांट कर लेते हैं। अबे पर लैपिस लाजुली पड़ी है क्या? लैपिस लाजुली एक ही के पास पड़ी है। चला अरे इसमें पड़ी तो ये कहा चोरी करवा रहा मेरे से, पड़ी थी क्या? अबे हां साले चोरी करवाने लग जाता है मेरे से तू। तेरा एक्सपी लेवल कितना है? देख एफिशिएंसी 1 और एफिशिएंसी 2 आ रही है। इसको रीसेट कैसे करते थे? निकाल डाल दूसरी पिकेट तक। ये बता क्या बोलते हैं तेरा एक्सपी लेवल कितना है? मेरा 29। मेरा भी 29 ही है बे। भाई सही है यार। भाई की फॉर्च्यून कहाँ है? कहीं संभाली है अपने पास ले रखी उन्हें? चोरी करें कर सकते हैं भाई, उनकी इन्वेंटरी में होगी लेकिन। अबे हाँ यार वो भाई कायदे से वो मेरी ही तो है, मैंने तो बनाई है फॉर्च्यून। उधार मांग ले क्या फ्लीट भाई से? तो उधार हाँ मांग ले, पहले एक बार चेक कर ले के इनके घर में यार मार पड़ जाएगी। नहीं भाई मैं तो नहीं जा रहा हूँ भाई। भाई ऐसे कर इधर एक बार जरा ये पिकेक्स कर करके देख तेरे पे कौन सा आ रहा है। लैपिस लाजुली ले ले वाला देख जरा कौन सी एन्चांटमेंट दे रही है ये। एफिशिएंसी 4 आ रही है। फिर फॉर्च्यून नहीं आ रही। फॉर्च्यून नहीं आ रही बाबा। बाबा क्या करें फिर अब? चल एफिशिएंसी लगा दे, एफिशिएंसी लगा दे, फटाफट टूट जाएगा सब कुछ। अबे एफिशिएंसी लगा दे भाई, 30 लेवल दौड़ना है मेरा। और भाई 29 है। तो तुम ऐसे करोगे क्या भाई? 29 है भाई, ऐसे करोगे क्या? तेरा 30 लेवल होने में कितना कितना एक्सपी बचा है? मेरा बहुत कम बचा है। बहुत कम है ना, तो आओ थोड़े मॉब्स मारते हैं। चलो फिर आओ मॉब भी मार लेते हैं और क्या। हाँ देवर मैंने सोचा कि भाई अगर हम यहाँ पे मॉब्स ना मारे और सीधा ही माइंड के अंदर चले जाएं, वहां से हमको एक्सपी तो मिल ही जाएगी। तो भाई हम सीधा चले गए माइंड के अंदर और चालू कर दिया खोदना डायमंड्स। पहले काम करते मेरी बात सुन, नीचे चलते हैं माइंड में चलते हैं, डायमंड उठाते हैं और फिर ऊपर आके बना लेंगे, क्या बोलता? क्या क्या बनाएंगे ऊपर आके? जितने डायमंड मिलते उतने तो माइंड करें। चल ठीक है और क्या, आ जा। तो भाई पता नहीं भाई देव भाई हमें कहाँ पे लेके आ गए हैं भाई, कब से घूमे जा रहे भाई। तो हमको इतना सा टपके हम यहाँ पे, हमको जगह मिली तो भाई बहुत बड़ी जगह। यहाँ पे डायमंड हो सकते हैं क्या देव? अबे डायमंड नहीं, कोई और मिल जाएगा यहाँ। अबे भाई बात तो सही है। एरिया है ये भाई? क्या हुआ? कुछ दिखा? कहाँ दिखा? दिखा वो देखो देखो देखो। अरे अरे भाई भाई, अरे बढ़िया वार्डन आ जाए भाई। अबे रुक ना, रुक जा, मेरे ब्लॉक पड़ेगा भाई। आवाज आ रही है वार्डन की, साले बजवा मत दियो, यहाँ पे पंगा ना हो जाए वार्डन से। रुक जा इसको तोड़ते हैं। अबे ओए साले भाग क्यों रहा उसके ऊपर? अबे भाई ले ले भाई, अबे भाई क्या कर रहे हो? मैं तो सेफ हूँ भाई। ओए मेरे पीछे मत आ, ओए ओए हट साले मेरे पीछे मत आ। गया 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 भाई, यहीं पे हूँ। ओए डायमंड मिल गया, डायमंड मिल गया, आजा 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 इधर आ। दिखा दिखा दिखा, कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर निकाल लिया। ओए दो है। ओ हट जा साले चोर, डायमंड दे मेरा। मेरे पास तो ना है भाई, तेरे पे आया डायमंड दे। ले यार ले मर साला, मुश्किल से डायमंड मिल रहे, वो भी चोरी कर ले तू है भाई। भाई हाँ लग रहा और होंगे भाई, और होंगे होंगे, रुक जा ढूंढते हैं। वैसे यार एक चंक बॉर्डर हो गया यार, रुक जा मैं चंक बॉर्डर ऑन कर दूं। लावा से नहीं मरता भाई, लावा इज समझ रहे ना। अरे भाई तुम तो बड़े आदमी हो, लावा में तो सुबह सुबह नहाता हूँ भाई मैं। अरे भाई लावा में नहाता तू सुबह सुबह? भाई क्या बात कर रहा है, अभी आजकल गर्मी है ऐसे पानी लावा बन जाता है। भाई देख देव तेरी बारी, मैंने तेरे को उस टाइम डायमंड बताया था, मैंने एक भी नहीं रखा था ना, तेरे को याद है ना ये बात? वो तो एडवांसमेंट नहीं थी शायद से, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं था, एडवांसमेंट थी मेरे पास। चोरी करने का मन हो, एडवांसमेंट थी भाई मेरे पास। हाँ तूने एक डायमंड दिया था। और भाई 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 मिल गया। अरे साले लावा मिल गया। ओए ये डायमंड है, अभी तो लैपिस है ये भाई, देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है, किसको मिलता डायमंड। अबे लैपिस लपेटो भाई जितना लपेट सकते हो। फिर क्यों कट्टा कर रहा तू? अरे बेचूंगा ना लैपिस ऊपर जाके। किसको बेचेगा? ओरे आग मिल गई, मिल गई, मिल गई, डायमंड मिला, आजा। ओरे
अरे भाई बात है भाई, देव भाई की तो बात है, माइनिंग स्किल तो है भाई, देव भाई की तो बात है। चार ही है ना ये, चार ही है, चार ही है, चार ही है। रुक जा तोड़ लेते भाई अब। ओए पांच है, ओ पांच, ओ रुक छोड़, अबे सात है, तो फक। अरे भाई भाई देख, 12 डायमंड हो गए भाई, देख पूछी ले ले भाई, पूछी चल चल पहुंची मेरे, चल अभी। अबे साले डायमंड ही दिए तूने मेरे को, आर्मर नहीं दिया नेदरराइट का। चल चल देख रहा है ना, अबे साला बंद कर रहा चुपचाप से भाई की स्किल्स देख रहा ना, अब नीचे कौन गिरेगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मैं देख रहा हूँ भाई तेरी स्किल्स देख रहा हूँ। मेरे बगल में क्यों आ गया तू अभी? अच्छा ठीक है चल, मैं अपना खोदता हूँ भाई, देखते हैं किसकी कितनी स्किल है। अबे ऐसी होता भाई, देख मैं तेरे को बताऊँ ना, अब देख तेरी बारी में मेरा लग चल रहा था, अब मेरी बारी में तेरा लग चल रहा है भाई। ये कितने की, सात की थी, कितने की? अबे सात आठ की वेन थी शायद ये, मेरे पास कितने थे शायद फोर थे ना, आठ की वेन थी, आठ की भाई। मैंने पहली बार देखी जिंदगी में, पहली बार देखी मैंने इतनी बड़ी वेन, मेरे फर्स्ट टाइम है भाई, फर्स्ट टाइम है। रेयर होता है शायद ये, रेयर गाइस तुम कमेंट में बताना कि रेयर होता है। जा ही रहा हूं मैं भाई। यार देव भाई डायमंड ढूंढवा दो यार, क्या हो गया तुम्हारे जादू को? अबे जादू इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? टाइमिंग देख तेरी और मेरी, इधर आ जल्दी आ, जल्दी आ। बस साले क्या टाइमिंग, रास्ता कहां है आने का? अबे तू कितने है छोरे? अरे वो रहो भाई, एक तो बोलनी नहीं आती ना, बोला मत कर पंजाबी। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये देख। अरे भाई 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 अबे क्या चल रहा है अलग? अबे भाई ये अलग ही जगह भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर ले। तो साले मुंह मारने आ जाता है, डायमंड दे मेरे। अबे तेरे कौन से डायमंड भाई? भाई देख तेरे पे पड़े डायमंड मेरे, देख तेरे दो तीन गए हैं तेरी जेब में। हैं? ये ले ले ले। ये देख, ये देख, भूखा हट ना है। भाई दे, ओए भाई भाई देख, अबे भाई तेरे पे चला गया एक डायमंड, दे मेरा ले ले ले। कितने हो गए? 21 हो गए भाई, 21 हो गए। दे भाई ये जगह बहुत लगी है, सॉरी यार, सॉरी भाई गलती से लग गया। मैं गया था ना डायमंड्स ढूंढने के लिए। कहाँ है डायमंड लेकिन? मिला था ना मुझे, इधर देखना, अबे इधर देखना अंधे। अबे बाय बाय बाय, देख रहा भाई, निकालो भाई डायमंड, निकालो भाई डायमंड। अबे भी काफी अच्छी वेन थी, चार की वेन थी ये भी। कितने हो गए? 24 हो गए। साले एक दे। अबे यार पता लग गया के भिखारी बार बार डायमंड उठा लेता है। बस 6 डायमंड और करने हैं, बस 6 डायमंड ऑन कर दे देव। तो भाई ओ डायमंड मिल गए, डायमंड मिल गए, मिल गए तो को पहली बार। अरे भाई कितनी है? 1 2 3 4 5 5 तो यही है, एक रह गया। ओए 6 मिल गए, हो गया भाई काम पूरा, हो गया, हो गया काम पूरा, हो गया भाई डायमंड्स का, हो गया। कहां है तू, कहां है? कहीं नहीं भाई, मैं तो अपना काम करो। 6 नहीं 7 है भाई। और ठीक किस साइड है तू? हो गया ना, और तो कुछ नहीं बचा। कितने हो गए? अरे हो गया भाई, पूरे हो गए डायमंड, पूरे हो गए। देख चल ऊपर चलते हैं। ओके क्या पूरे? हाँ पूरे हो गए, चल आज ऊपर चलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो थोड़ा इधर भी देते हैं। अरे एक्स्ट्रा तो है ही नहीं मेरे पास यार, एक्स्ट्रा थोड़ा ना। अबे तेरी पिकैक्स भी इधर पड़ी है, तेरी है वो, उठाई नहीं तूने। अबे डैमेज दे 1 एचपी उसकी। अच्छा तूने वापस फेंक दी थी। हां चला ऊपर चलते हैं गाइस, जब ऊपर पहुंच जाए फिर तुम्हें मिलते हैं। ठीक है भाई ले चल देव यार घर। अबे आई गए, तू क्या लेके जाएगा मेरे को? अबे ये किसका घर दिख रहा है स्टार्टिंग में? रोनी भाई बड़ा ही गंदा इंसान है भाई। अबे भाई तो छोड़ ना, मैं सीसीटीवी देख, सीसीटीवी देखी मैंने, इतना हंस रहा था ना भाई। मैं पहले आया लौंडे को पता नहीं क्या है, पहले हटा रहा है। तूने हटाया क्यों? अरे बताना जरा। अबे भाई देख मेरे को लगा कि तू आ रहा है, ठीक है शायद ऐसे तो निकला भी था। मैं कहा तू आएगा तो चेक करेगा, मैं सारा हटा दिया। अरे भाई यार यार बुरा लगता है घर देख के भाई। अबे देखिए जरा इतनी, अरे अबे भाई के बगल की जमीन क्या क्या। अबे ये जमीन फ्लिट से कूड़े के भाव लूंगा देखियो। अबे ओए अपने घर के बगल की जमीन लेना, मेरे घर के बगल की जमीन क्यों ले रहा है भाई? घर के बगल की, घर के बगल की जमीन कब जा लूं क्या? अबे अबे इसको किडनैप कर ले भाई। अबे तू पागल है क्या? अबे कर ले छोटे को किडनैप, बच्चों को किडनैप करता है ये तू। अबे भाई इससे क्या बड़ी बात है, आइडिया मत दे यार तो मेरे को दे। रात को तो लगा बल्लू गायब है भैया, बचाओ बचाओ। चल मैं भी जा रहा हूँ सोने, ठीक है दे भाई। थैंक यू यार तूने मेरा काम करा दिया।
चल हो गया ना काम तेरा, मेरा थोड़ा है ना भाई, तू जा सकते हो भाई, तेरे को जाने तो जा, रोटी वोटी खा भाई तू जा। चल चल मैं निकलता हूँ फिर, ठीक है चल गुड नाइट भाई। और ये पक्का सरकार को मिल जाएंगे ना भाई, फ्लीट आएंगे तो उनको दे दूंगा ना, अपने काम से काम रखना भाई तू। मतलब तू फ्लीट को देगा सरकार को देगा? सरकार तो फ्लीट ही है ना। अरे भाई तू भूल जा, मिलके सरकार बनेगी, एक संविधान एक जना तो ना होता है। देख सुन मेरी बात, मिलके संविधान होते हैं। देख सुन मेरी बात, जो यहाँ पे हुआ तू भूल जा, तेरा वोट जो मेरा वोट है तेरा है, बात को कर यहीं पे खत्म। चल ठीक है मुझे क्या फिर, तेरा तेरे को वोट से मतलब है ना, सरकार को मैं जैसे भी दूं वोट मिल रहा है। हाँ वोट मिल रहा है बस, क्या तुम जाओ काम करो अपना। चल ठीक है, चल गुड नाइट भाई। चल गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। चला गया भाई देव, चला गया भाई देव, चला गया देव, चला गया देव, चला गया। चुपचाप से फटाफट से आर्मर बना लेते हैं पूरा। तुम्हें भी लग रहा था ना मैं सरकारी काम करूंगा, है सरकारी काम अब इनसे कराऊंगा मैं, ऐसे थोड़ी ना सरकारी गद्दी छोड़ दूं। क्या रह गया मेरा बनाना? हेलमेट रह गया ना, हेलमेट ये रहा। तुम्हें भी लग रहा होगा सरकारी काम करूंगा मैं, अजी हाँ। इसको इसके अंदर डालो भाई फटाफट से ना, मेरे को नीचे वॉल्ट में जाना पड़ेगा, अपने आर्मर वहां पे फेंकना पड़ेगा, बट आर्मर मैं तब फेंकूंगा जब मेरा आर्मर पूरा इंचांट हो जाएगा। अब तुम्हें बताता हूँ मैं पावरफुल बनने का तरीका, पावरफुल मैं कैसे बनूंगा, पावरफुल मैं बनूंगा पूरा आर्मर इंचांट करके, सबसे पावरफुल आर्मर जब मेरे पास होगा ना, पूरे लिलीविल का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन जाऊंगा भाई मैं। अब तो मैं दिखाऊंगा राज कैसे करते हैं। प्यार से तो हो गया भाई बहुत, सारा आर्मर मैंने अपने फिलहाल के लिए चेस्ट के अंदर रख दिया है, तो भाई मेरे को ना बहुत सारी बुक्स बनानी पड़ेंगी, तो लेदर मैंने अपना जितना हो सकता था उतना निकालो, पूरी इन्वेंट्री खाली करके लेदर निकाल लिया। तो भाई काम करते हैं फटाफट से ना, शुगर केन फार्म पे चलते हैं, अपने शुगर केन फार्म उधर है ना, शुगर केन फार्म पे चलते हैं, पेपर बनाते हैं भाई, बुक्स बना के ना फटाफट से इंचांटमेंट के लिए तैयार करते हैं अपना काम काज। 30 XP 32 XP अगर किस्मत अच्छी तो हो जाना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें सारा ले लूंगा भाई, सारा निकाल लूंगा। फ्री का है पाम है अपने पे, क्या हो लिया तो भाई अपने यहां पे आते हैं सबसे पहले, तो उधर जाने से पहले और इसको सारे को ना पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो भाई फटाफट से ना इसको पहले पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, और बुक भी बनाई लेते हैं। रुको बुक जितनी बनती है शिफ्ट दबा के सारी पेल दो, 20 बस 20 बनी है। अबे यार अच्छा 20 लेता तो 20 ही बनेगी ना भाई, हो जाना चाहिए यार 20 बुक्स के अंदर, तो देखो अगर किस्मत अच्छी रही तो ठीक है। तो वो रहा हमारा भाई एंचांटमेंट टेबल भाई, जय श्री राम बोल के काम करना चालू करते भाई। मेरे पीछे पीछे तुम भी कमेंट सेक्शन में बोलो जय श्री राम। रुको अब लैपिस लजूली कहाँ है? शिट लैपिस लजूली रह गया उधर, मैं लेके आया भाई। इसको लगाते हैं यहाँ पे, एक बुक लगाते हैं यहाँ पे, एक लैपिस को लगाते हैं, प्रोटेक्शन मिल रही है, ज़्यादा लगा देते हो। पावर पावर तो किसी काम की नहीं है यार, रेस्पिरेशन मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, एक प्रोटेक्शन ले लेते हैं, इसको और भी बना सकते हैं हम। और इंचांटमेंट मिल गई, इंचांटर यस, क्विक चार्ज, एक्को एफिनिटी, क्या बेकार, सबसे आसान एक्को एफिनिटी है ले लेते हैं चलो फिलहाल के लिए। हेलमेट में लग सकती है एक्को एफिनिटी, पावर 1, लूटिंग, शार्पनेस 3, भाई किस्मत तो फिलहाल तो अच्छी चल रही है। इम्पेलिंग अनब्रेकिंग प्रोटेक्शन, यहां मैं प्रोटेक्शन 4 लेने के लिए चल पड़ा अपनी हंट पे, क्योंकि मेरे पास एक्सपी नहीं थी भाई, मैं क्या करता, ठीक है। तो भाई मैं ऐसे एक्सपी लेके आया और सीधा मैंने करना चालू कर दिया अपनी बुक्स का काम चालू। भाई फटाफट से जितना हमने इसमें से लैपिस रखा था ना सारा ले लेते हैं, मतलब सारा वापस रख देते हैं भाई, ताकि इसको शक ना जाए हम क्या करने वाले हैं। 18 लिया था, 18 वापस रख दिया। तो भाई मेरे को अभी तुम्हें दिखाता हूँ वो कितनी बुक्स मिल चुकी हैं फटाफट से। एक बार पहले मेरे को किसी के घर से तो चोरी करना पड़ेगा, शायद अपना एनविल चोरी करना पड़ेगा, फिर बैठ के आराम से बुक्स बना के सीधा उसको आर्मर के अंदर इंचांट करते। नहीं यार लेकिन अभी नहीं कर सकते भाई, मेरे को एक्सपी चाहिए। और भाई मैं मॉब्स मार के आता हूँ सीधा, फिर मिलता हूँ तुमसे सीधा एक्सपी कलेक्ट करके। क्या वो देखोगे, तुम लोग भी बोर हो जाओगे देख के। रुको मैं तुम्हें लेके आता हूँ, मैं एक्सपी लेके आता हूँ फटाफट। भाई एक्सपी तो मैंने भी थोड़ी सी कलेक्ट करी है, अभी मैं फिर से जाऊँगा एक्सपी हंट के लिए। बट मेरे को आइडिया आया फटाफट से ना, जितनी भी एक्सपी है ना उससे ना एक बार मैं अपनी वो बना लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसे,
रुको ना यहाँ से वो मिल जाए, क्या पता वो रहा ना एनविल। अरे उठा लो ना इसे, तो वैसे ही फट गया घर। भाई लोग बोल रहे हो तुम लोग मेरा दीन मान नहीं है भाई, मैं जो भी मिलता चोरी कर लेता हूँ, बट ऐसा नहीं है, जो भी मिलता है मैं उसे सही में चोरी कर लेता हूँ। तो भाई इसको फटाफट से लगाते हैं अपने। तुम्हें सीक्रेट बेस भी दिखाया ना मैंने, अभी दिखा दो तुम्हें जो मैंने नया सीक्रेट बेस नीचे तुम्हें बताया था ना मैंने, जो मेरा सीक्रेट बेस छला हुआ है ना ऊपर का, वो तो बस दिखाने दिखाने का है। ये देखो तुम्हें असली चीज दिखाता हूँ, यार तुम बताना मत यार किसी को भी, किसी की चैट में भी जाके ना तुम भाई पिटवा दोगे मेरे को। अब इसमें पानी भरा था, पानी कहाँ गया भाई, हट गया शायद, कोई आया तो नहीं यहाँ पे, नहीं ऐसे कौन आएगा। ये देखो अब तुम्हें लगेगा भाई कितना बेकार सीक्रेट बेस है, कितना अबे इतना सामान पड़ा है क्या इसके अंदर, ये मैंने उठाया क्यों नहीं, लेकिन चल कोई नहीं। बोले कितना बेकार सीक्रेट बेस है। तुमने लास्ट वीडियो कमेंट्स में देखा था, तुम लोग भाई सोचो ना एक चीज, जो तुमने वीडियो में बोली तो थी मैंने भाई कि ये सिर्फ छलावा है, भाई तुम बोल रहे हो बेकार है बेकार है, ये देखो ना असली माल तो ये है। ये देखो भाई ये है मेरा सीक्रेट बेस। अब देखो यहाँ पे लगाते एक एनविल, इसको रखते हैं यहाँ पे, ये लगाया एनविल। अब देखो एक्वा इन्फिनिटी हमारे पास, अनब्रेकिंग है, अनब्रेकिंग को हमारे पास कौन कौन सी अनब्रेकिंग पड़ी हुई है, अनब्रेकिंग 2 है ना और अनब्रेकिंग 1 है मेरे ख्याल से। अनब्रेकिंग 2 2 करेंगे तो अनब्रेकिंग 3 बन जाएगी। अनब्रेकिंग कहाँ गई, अबे कहाँ गई, अनब्रेकिंग 2, अनब्रेकिंग 2, अनब्रेकिंग 3, फेदर फॉलिंग, अनब्रेकिंग 1, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन 1, प्रोटेक्शन 1, प्रोटेक्शन 2, प्रोटेक्शन 2, प्रोटेक्शन 2, प्रोटेक्शन 3, ठीक है। तो प्रोटेक्शन 1 और प्रोटेक्शन का है, ये रही प्रोटेक्शन 1, प्रोटेक्शन 4 भी है मेरे पास, ये चेस्ट प्लेट में लगा दूंगा यार। एक्सपी लानी पड़ेगी और तो खत्म भी होगी एक्सपी। रुको मैं बुक्स को ना फिलहाल यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैं बस कह रही कि फेदर फॉलिंग है अभी और थोड़ा बहुत और सामान है, इनको भी करते हैं। मैं फटाफट से एक्सपी लेके आता हूँ भाई, पहले मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगने वाला भाई, कम से कम भी 40 से 50 XP चाहिए मेरे को, कुछ ना कुछ तो स्कीम लगाता हूँ भाई। रुको एक्सपी कलेक्ट करने के बाद और अपनी सारी इन्वेंट्री खाली करने के बाद मैं पहुंच गया सीधा अपने बंकर के अंदर, और भाई अब यहां से चालू होगा असली काम, क्योंकि इट्स टाइम टू किल। भाई यार बड़ी मुश्किल से भाई, इतनी देर लग गई ना, इतनी देर लग गई, मैं आंखें बंद होने लग गई है मेरी नींद से, इतने मॉब्स मार मार के भाई, इतना पहली बार थका हूं मैं, एक पूरी एक्स ले गए साले मेरी। लेकिन भाई एक्सपी तो मैं देखो इतनी कर ली है बहुत। हमारे पास क्या क्या है, अनब्रेकिंग लगाओ, अनब्रेकिंग शार्पनेस, क्या क्या बचा मेरे पास, प्रोजेक्टाइल, पावर पावर, फेदर फॉलिंग, फेदर, अरे फेदर फॉलिंग है ना, फेदर फॉलिंग 1 और फेदर फॉलिंग क्या बनेगा इससे, बेसिक था फेदर फॉलिंग 2 ही बने हैं, हटाओ इसे। क्या क्या पड़ा मेरे पास, पावर है, एफिशिएंसी है, एक्वा एफिनिटी है, अनब्रेकिंग है, एक अनब्रेकिंग लगाते हैं यहाँ पे अगर अनब्रेकिंग और हमारे पास, तो अनब्रेकिंग 3 है मेरे पास, ठीक है। फेदर फॉलिंग 1, कितनी कंफ्यूजिंग है यार जिंदगी, तो भी आ जाए नीचे, एक्वा एफिनिटी, तो गाइस देखो मेरा आर्मर बनाने के लिए लगभग सारी इंचांटमेंट्स मेरे पास हो चुकी हैं। वही फटाफट से अपने ऊपर से आर्मर लेके आता हूँ और तुमसे मिलता हूँ भाई 5 मिनट के अंदर।
तो भाई मैं नीचे तो आ चुका हूँ, मेरा फटाफट मेरा आर्मर ना मैं इंचांट करना चालू करता हूँ और देखता हूँ सबसे बढ़िया इंचांटमेंट्स क्या हो सकती है मेरे आर्मर के लिए इस टाइम, क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता पूरे लेवल के अंदर अभी इतनी इंचांटमेंट किसी के पास है। तो फटाफट से काम करते, चेस्ट प्लेट से चालू करते हैं, चेस्ट प्लेट के अंदर हम लगाने, रुको ना ऐसे कैसे चालू करते हैं, पहले ये भी तो उतार लें। अरे ना भाई तू मत टूट, तू मत टूट। अरे इसमें कुछ था नहीं क्या? चलो नहीं होगा, मैं भूल जाता हूँ जल्दी जल्दी। इसके अंदर लगाते हैं प्रोटेक्शन 4, 4 इंचांटमेंट कॉस्ट है भाई की, ठीक है। नहीं रुको रुको, एक अच्छा आइडिया मेरे पास, प्रोटेक्शन 4 लगानी है इसके अंदर, हमारी एक्सपी भी कम यूज़ होगी ना। प्रोटेक्शन 4 है और अनब्रेकिंग कौन सी है वह सबसे बड़ी, अनब्रेकिंग 3, तो इससे बन जाएगी, रुको रुको रुको, हाँ ये तो बनानी है। और एफिशिएंसी होगी, अनब्रेकिंग होगी, फेदर फॉलिंग होगी, ठीक है, प्रोटेक्शन हो गई, फिलहाल यही है मेरे पास है। तो इसको लगाते हैं चेस्ट प्लेट के साथ, रुको इसको लगाते हैं चेस्ट प्लेट के साथ। अरे भाई तो बराबरी पड़ रही है, क्या करता हूँ मैं, ये बॉट हरकत, भाई मैं डर गया था, मेरे को लगा मेरा इंचांट वो हो गया मेरा सब कुछ, मेरा आर्मर, फिलहाल चेस्ट प्लेट मेरी होगी रेडी। लेग्स को लगाते हैं यहाँ पे, भाई मैंने मेरे को एक और एनविल बना के लाना पड़ेगा यार, मैं बना के लाता हूँ, मेरे को 2 मिनट दो। इसको फटाफट से कर लेते हैं यार, अब तुम ये मत बोलना एनविल फिर कहीं से चोरी करके लाया, भाई मैं बना के लाऊँ इस बार ये एनविल, ठीक है। इसको लगते हैं यहाँ पे, शायद चोरी करके लाया हूँ, शायद बना के लाया हूँ, यू नेवर नो, क्योंकि मैं पार्ट काट दूंगा। ये तुम्हारे लिए आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, बताओ रोनी ने एनविल चोरी किया कि एनविल बनाया, ठीक है। तो पैंट्स के अंदर लगाना है अनब्रेकिंग 3 और फेदर फॉलिंग, नहीं फेदर फॉलिंग तो बूट्स में लगेगी, ठीक है। अनब्रेकिंग 3 लगाते हैं और वो क्या प्रोटेक्शन का मेरे पास, प्रोटेक्शन हेड ज़्यादा पड़ती है मेरे को यार, इसमें पैंट में बनती है। अबे साथ इतनी ज़्यादा क्यों है, इसको लगाते हैं यहाँ पे, पैंट्स भी हो गए हमारे डिब्बे, तो यार एक्सपी खत्म हो गई, इसको लगाओ यहाँ पे भाई, फटाफट से कर लेते हैं। इसके अंदर लगाते हैं फिलहाल के लिए, मेरे पास एक्सपी नहीं है तो मैं इसके अंदर सिर्फ फेदर फॉलिंग लगा रहा हूँ अभी, या फेदर फॉलिंग और अनब्रेकिंग वो बाद में लगाऊंगा, ऑफ ऑफ करके लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है भाई अपने पे इतना, अब इसको फटाफट से पूरा भी तो करना है। हेलमेट के अंदर एफिनिटी लगाते हैं, का एफिनिटी का मेरी एक्वा एफिनिटी, येरी ये रेस्पिरेशन होती ना मज़ा आ जाता, ठीक है। ये रेडी हो गया, कितनी एक्सपी बची है, और तो काम ही नहीं होगा भाई, मेरा आर्मर रेडी है। इसको पहनूं, कैसा लगेगा पहन के, अबे पहनना, अच्छा मेरा ऑलरेडी पहना हुआ है ये। तो गाइस पूरे लिलीविल के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मर किसका हो रहा है, मेरा। तो भाई फटाफट से तुम एक काम कर लो, अब तुम हर जगह जाके डंका बजा दो, नहीं डंका मत बजाना, डंका मत बजाना, ये अभी सीक्रेट है मेरा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल मेरा हो चुका है आर्मर, आगे जा रहा हूं, तो भाई मेरा सबसे पावरफुल आर्मर हो चुका है पूरे लिलीविल का अभी तक तैयार। तो भाई इसको थोड़ा ऑफ वीडियो बैठ के मेरे को ग्राइंड करना पड़ेगा इस आर्मर पे अभी भी भाई, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया पूरे लिलीविल के अंदर सबसे पावरफुल आदमी कौन है भाई। तो भाई एक काम करके तुम फटाफट से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो भाई, इलेक्शन ही ला देंगे पूरा, पूरा इलेक्शन ही ला दूंगा भाई, तुम देखना जरूर, ठीक है। तो भाई मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय।